हेलो, क्लास ट्वेल्व के स्टूडेंट्स के लिए वर्ड मीनिंग का जो बचा हुआ भाग है द होम कमिंग का, आज इसको पूरा करवाया जाएगा। प्लम्ब लाइन मीन्स साहुल, जिसका यूज़ राजगीर लोग घरों में ईंटा को जोड़ते समय करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड प्लम्ब लाइन, साहुल। अनफैदमेबल मीन्स इम्पॉसिबल टू मीज़र, अथाह जिसका कोई थाह ना हो। व्हर्लविंड मीन्स रैपिडली मूविंग विंड, राउंड एंड राउंड, चक्रवात। एजिटेशन मीन्स ए स्टेट ऑफ एक्साइटमेंट, उत्तेजना। तो इस प्रकार से ये वर्ड मीनिंग समाप्त हुई। अब हम लेसन पर ध्यान देंगे, टेक्स्ट बुक पर ध्यान देंगे, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेसन को समझने के लिए, प्रॉपरली अंडरस्टैंड के लिए बहुत ज़रूरी है। तो देखें, फटिक चक्रवर्ती वाज रिंग लीडर एमंग द बॉयज ऑफ द विलेज। इसमें राइटर आर्यन टैगोर ने फटिक चक्रवर्ती नामक एक लड़के का, एक बॉय का वर्णन किया है, जो रिंग लीडर था। वह अपने साथियों का सरदार था, उसके साथ ही इल्लीगल वर्क किया करते थे, गैर कानूनी कार्य, एक प्रकार से मिस्चीवियस वर्क किया करते थे, उन्हीं का वो सरगना था। ए न्यू मिस्चीफ गॉट इनटू हिज हेड, उसके दिमाग में एक नई शरारत सूझी। देयर वाज ए हेवी लॉग लाइंग ऑन द मड फ्लैट ऑफ द रिवर, समुद्र नदी के पास कीचड़ में एक लट्ठा पड़ा हुआ था, लकड़ी का लट्ठा था जो भारी था, वो पड़ा हुआ था। टू बी सेव्ड इनटू ए मास्ट फॉर ए बोट, उसका मास्ट बनाया जाना था, उसका मस्तूल बनाना था जो नाव में प्रयोग होता है, यूज होता है। तो ही डिसाइडेड दैट दे शुड ऑल वर्क टुगेदर टू शिफ्ट द लॉग बाई मेन फोर्स। उसने सोचा, उसने विचार किया कि सब लोग मिल करके, सारी ताकत लगा करके उस लट्ठे को हटा देंगे, वहाँ से शिफ्ट कर देंगे, उसकी जगह चेंज कर देंगे, एंड रोल इट अवे, और उसे हटा देंगे, वहाँ से लुढ़का देंगे। द ओनर ऑफ द लॉन्ग लॉग वुड बी एंग्री एंड सरप्राइज्ड एंड दे वुड ऑल इन्जॉय द फन। इससे जो लॉग का मालिक है, लट्ठे का मालिक है, वह नाराज़ होगा, उसे आश्चर्य होगा, और फिर बड़ा आनंद आएगा, सब लोगों का बड़ा मनोरंजन होगा। एवरीवन सेकंडेड द प्रपोजल एंड इट वाज कैरीड अनैनिमसली, सारे लोगों ने, उसके सारे मित्रों ने उस बात को स्वीकार कर लिया और निर्विरोध इस कार्य को अंजाम दिया गया। बट जस्ट एज द फन वाज अबाउट टू बिगिन, लोगों की राय बन गई, लोग सहमत हो गए, फटिक चक्रवर्ती के विचार से सहमत हो गए। लेकिन अब जैसे ही यह कार्य शुरू होने वाला था, यह हंसी मजाक का कार्य शुरू होने वाला था, माखन फटिक्स यंगर ब्रदर सांटर्ड अप, फटिक का छोटा भाई माखन टहलता हुआ आ गया, एंड साइड डाउन ऑन द लॉग इन फ्रंट ऑफ देम ऑल विदाउट ए वर्ड, और आ करके उसी लट्ठे पर बैठ गया, सबके सामने बैठ गया, लेकिन कुछ बोला नहीं, विदाउट ए वर्ड, बिना कुछ कहे ही बैठ गया। द बॉयज वर पजिल्ड फॉर ए मोमेंट, जो लड़के थे वो सब परेशान हो गए एक क्षण के लिए। ही वाज पुश्ड रादर टिमिडली बाई वन ऑफ द बॉयज, बल्कि उसी में से किसी एक लड़के ने कायरतापूर्वक उसको हटाने का प्रयास किया, एंड टोल्ड टू गेट अप, उसको हटने के लिए कहा, बट ही रिमेंड क्वाइट अनकंसर्न्ड, लेकिन उसके ऊपर कोई उसका फ़र्क नहीं पड़ा। ही अपीयर्ड लाइक ए यंग फिलोसफर मेडिटेटिंग ऑन द फ्यूटिलिटी ऑफ गेम, ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई युवा फिलोसफर हो, एक दार्शनिक हो, और उस गेम की तुच्छता पर ध्यान लगाया हो।
उसके लिए यह गेम बेकार लग रहा था, यूजलेस लग रहा था। फटिक वाज फ्यूरियस, फटिक बहुत ही नाराज हो गया। माखन ही क्राइड, उसने कहा, माखन इफ़ यू डोंट गेट डाउन दिस मिनट आई विल थ्रेस यू। उसने कहा कि अगर तुम लट्ठे पर से नहीं हटे, तुरंत नहीं हटे, तो मैं तुम्हारी पिटाई कर दूंगा। माखन ओनली मूव्ड टू ए मोर कंफर्टेबल पोजीशन। इसका परिणाम ये रहा कि माखन उस लट्ठे पर और भी आरामदायक स्थिति से बैठ गया। नाउ इफ फटिक वाज टू कीप हिज रीगल डिग्निटी बिफोर द पब्लिक, अब फटिक को अपने डिग्निटी को भी बचाए रखना था, अपनी गरिमा को भी बचाए रखना था अपने लोगों के सामने, अपने गैंग के लोगों के सामने। इट वाज क्लियर ही ought टू कैरी आउट हिज थ्रीट, तो स्पष्ट था कि उसे अपने इस धमकी को करना भी था, उसको कुछ दंड देना भी था। बट हिज करेज फेल्ड हिम एट द क्राइसिस, लेकिन इतनी विषम परिस्थिति में उसका धैर्य जवाब दे गया। हिज फर्टाइल ब्रेन हाउ एवर रैपिडली सीज्ड अपॉन ए न्यू मैनूवर, उसका तेजी से जो दिमाग घूमता था गलत कार्यों के लिए, शरारतों के लिए, तुरंत एक नए मिस्चीफ की तरफ मुड़ गया। विच ही गेव द वर्ड ऑफ कमांड टू रोल द लॉग एंड माखन ओवर टुगेदर, और उसने तुरंत अपने साथियों को आदेश दिया कि लट्ठे को लुढ़का दिया जाए और माखन सहित लुढ़का दिया जाए। माखन हर्ड द ऑर्डर, माखन ने जब ये आदेश सुना, एंड मेड इट ए पॉइंट ऑफ ऑनर टू स्टिक ऑन, तब उसने चिपके रहने का इरादा बना लिया कि अब तो वो बिल्कुल नहीं हटेगा, अपने सम्मान की रक्षा करेगा। बट ही ओवरलुक्ड द फैक्ट, लेकिन उसने इसको नज़रअंदाज कर दिया। लाइक दोज हु अटेम्प्ट अर्थली फेम इन अदर मैटर, उन लोगों की तरह जो सांसारिक ख्याति को प्राप्त करते हैं, ख्याति को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, दैट देयर वाज पेरिल इन इट, कि इसमें खतरा है, रिस्क है। थैंक यू।